गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर प्रेमता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी पेपर में ई लर्निंग से संबंधित आगे की स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ई लर्निंग है क्या, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता तथा ई लर्निंग किस किस माध्यम से हम बालकों तक पहुंचा सकते हैं और अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं, इस विषय वस्तु के संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया। आज हम ई लर्निंग के उद्देश्य, इसके लाभ, इसका किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाता है और साथ ही इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी स्टडी करेंगे। ई लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं शिक्षण पद्धतियों के आधुनिकीकरण का ज्ञान भावी शिक्षकों को प्रदान करना, शिक्षा तकनीकी से संबंधित औपचारिक अनौपचारिक जितने भी सूचनाएं हैं उनके आधार पर शिक्षा का प्रसार करना, विद्यार्थियों के स्तर तथा अधिगम गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उनका गुणात्मक विकास करना, आधुनिक शैक्षिक तथा व्यावसायिक दक्षताओं में वृद्धि करना, शैक्षिक तकनीकी के उपयोग को बढ़ाकर भावी अध्यापकों के ज्ञान में वृद्धि करना, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार व रचनात्मकता के साथ साथ स्वस्थ प्रतियोगिताओं में वृद्धि करना, ये सब उपरोक्त ई लर्निंग के ऑब्जेक्टिव है। अब ई लर्निंग का हम क्लासरूम टीचिंग में या डिस्टेंस मोड में हम किस प्रकार से क्रियान्वयन कर सकते हैं, क्रियान्वयन अर्थात एग्जीक्यूशन इन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। सो इसमें फर्स्ट है कि विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि ई लर्निंग में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ई लर्निंग का यूज़ दूरस्थ शिक्षा के लिए करते हैं, तो उस संदर्भ में या क्लासरूम टीचिंग के संदर्भ में भी सर्वप्रथम ऑनलाइन टीचिंग कराने के लिए हमें विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए ताकि उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर उनकी संख्या का पता चल सके। दूसरा, इसमें अधिगम में सहायता या बल प्रदान करना। जब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उनकी ऑनलाइन क्लासेस ई लर्निंग के माध्यम से स्टार्ट हो जाती है, तो विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षक को ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से निरंतर सक्रिय रहकर बालकों की अधिगम संबंधी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। साथ ही इसमें डिस्टेंस मोड में दूरस्थ स्तर पर जो विद्यार्थी हैं वे प्राय अधिगम में ज़्यादा रुचि नहीं लेते, इसके लिए उन्हें अधिगम के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनको अधिगम से संबंधित टास्क देकर उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही स्वाध्याय की प्रवृत्ति द्वारा ऑनलाइन मोड से जो भी स्टडी मटेरियल उन्हें प्रोवाइड किया गया है उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। थर्ड है इसमें अधिगम का मापन और फीडबैक प्रदान करना। जब बालक दिए गए टास्क के अनुसार अपना सत्रीय कार्य या जो सेशनल वर्क उन्हें दिया गया है वह समय पर पूर्ण करके ऑनलाइन सबमिट कराते हैं, तो उसका मापन ऑनलाइन मोड्स के द्वारा करने पर विद्यार्थियों को फीडबैक भी दिया जाना चाहिए। फीडबैक देने से आगे आने वाले अधिगम में उनमें सकारात्मक परिणाम नज़र आते हैं, साथ ही वह स्वाध्याय के प्रति रुचि लेते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक अपने अधिगम को करने के लिए प्रेरित रहते हैं और ऑनलाइन टास्क करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो इस प्रकार ई लर्निंग में इन तीन प्रोसेस से गुजरकर हम विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करा सकते हैं। इसके बाद है ई लर्निंग में शिक्षण किस किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। इसमें आधुनिक तरीकों के रूप में पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन के माध्यम से, उसमें ग्राफिक्स, चित्र, साउंड इफेक्ट, वीडियो, नक्शे इत्यादि को अपलोड करके और अपने शिक्षण अधिगम सामग्री को सुंदर, रचनात्मक, सृजनात्मक तरीके से बालकों के सामने प्रस्तुत करके अपने शिक्षण का प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। अब है ई लर्निंग की उपयोगिता। ई लर्निंग के लाभ है कि वैश्विक परिदृश्य को जानने और समझने में सहायक। जब हम ई लर्निंग के माध्यम से स्टडी कराते हैं तो स्टूडेंट न केवल दिए गए रिसोर्सेज जो विषय वस्तु या विषय से संबंधित जो मटेरियल उन्हें दिया जाता है उससे संबंध में वह इंटरनेट पर या अन्य किसी ब्राउज़र के माध्यम से वह अपनी विषय वस्तु को सर्च करके उस टास्क को पूरा करते हैं जो इन्हें
होमवर्क के रूप में या असाइनमेंट के रूप में दिया जाता है। इस प्रकार वह विश्व में होने वाले शैक्षिक टेक्नोलॉजी के विकास से भी परिचित होते हैं, साथ ही तकनीकी का यूज़ भी उन्हें आता है और ऑनलाइन जितने भी ई रिसोर्सेज स्टडी से रिलेटेड हैं उनको फाइंड आउट करते हैं और अपने ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट, ये इसमें उच्च स्तरीय गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जाता है क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं बल्कि कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, साथ ही जो सेकेंडरी लेवल की स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी उपयोगी है। तो इसमें जो टास्क दिए जाते हैं वो बहुत हायर लेवल के होते हैं। और नेक्स्ट, इसमें नवाचारों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ई लर्निंग एक परंपरागत शिक्षण पद्धति नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी के जितने भी संसाधन हैं उनका समुचित उपयोग करके बालकों को शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें एक ही समय में एक ही स्थान पर या अन्य स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या डिस्टेंस मोड से हम शिक्षण करा सकते हैं और इसमें समय और स्थान की बाध्यता समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही इसमें बालकों में अन्वेषणात्मक अर्थात किसी चीज़ की या किसी समस्या पर खोज करने की प्रवृत्ति विकसित होती है और इसी के माध्यम से वह अपनी अधिगम संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। इसके पश्चात इसमें शिक्षक द्वारा सहयोगात्मक स्वरूप का विकास होता है क्योंकि शिक्षक डायरेक्ट स्टूडेंट से नहीं संपर्क में रहते बल्कि ऑनलाइन वे पर वे बालकों से सहयोगात्मक रूप से अधिगम संबंधी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा दूरस्थ स्थानों के जितने भी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की भी जानकारी विद्यार्थियों के माध्यम से शिक्षकों को भी प्राप्त होती है। साथ में विद्यार्थी अधिगम में रुचि लेते हैं, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है क्योंकि बालक करके स्वयं सीखते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक अधिगम होता और व्यक्तिगत रूप से अधिगम करते हैं, इसलिए यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, यह रटने की प्रवृत्ति पर भी काफ़ी रोक लगाती है। साथ ही इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो ऑनलाइन रिसोर्सेज होने के कारण काफ़ी आकर्षक और प्रभावशाली होती है। इसमें जटिल कार्य को सरलता से अध्ययन कराने में सावधानी मिलती है क्योंकि जब पारंपरिक शिक्षण पद्धति के अंदर किसी कठिन टास्क को करने में ज़्यादा संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाता, ना ही किसी अन्य रिसोर्स पर्सन की हेल्प मिल पाती है, जबकि ऑनलाइन में हम इंटरनेशनल लेवल पर उस समस्या से संबंधित विषय विशेषज्ञों से सलाह करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसमें दृश्य उदाहरणों का भी प्रयोग किया जाता है, यानी वीडियो क्लिपिंग दिखा करके आप अपनी विषय वस्तु को समझा सकते हैं। साथ ही इसमें कक्षा कार्यक्रम में डिक्शन बोर्ड प्रॉमिस द्वारा ईमेल और इंटरनेट कनेक्ट करके डायरेक्ट हम कोई भी ई मटेरियल है उसका लिंक बच्चों को बता सकते हैं और उस स्टडी मटेरियल को ऑनलाइन हम क्लास में शो कर सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। इसके बाद शिक्षक एवं छात्रों के मध्य प्रभावशाली संप्रेषण होता है क्योंकि ई लर्निंग के द्वारा शिक्षण रुचिकर होता है, तो जो भी कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स और टीचर के बीच हो रहा है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। अब इस ई लर्निंग की लिमिटेशंस इस प्रकार है क्योंकि कोई भी टास्क अपनी सीमाओं में बंधा हुआ होता है इसमें, तो ई लर्निंग एक जटिल कार्य है क्योंकि ई लर्निंग के लिए स्टडी मटेरियल को ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट करना अपने आप में एक जटिल कार्य है। इसके साथ ही इसकी प्लानिंग, प्रबंधन, क्रियान्वयन भी में भी काफ़ी एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, इसमें जो भी तकनीकी संस्थाएं अवेलेबल है जो ऑनलाइन रिसोर्सेज से द्वारा डिस्टेंस मोड में एजुकेशन प्रोवाइड करती है उनके पास भी पर्याप्त संसाधनों का अभाव होता है। हम इसे शिक्षा के एक विकल्प के रूप में नहीं मान सकते, ये सहायक ज़रूर है लेकिन एक विकल्प नहीं। नेक्स्ट, इसमें ऑनलाइन मोड में धीरे धीरे गिरते हुए नामांकन, दूरस्थ शिक्षा, खराब शिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का अभाव दृष्टिगोचर होता है। इसमें योजना के क्रियान्वयन के समय कभी कभी असावधानी जब हम बरत लेते हैं तो अधिगम के स्तर में भी गिरावट आती है, यानी हमारे योजना अगर प्रभावी रूप से क्रियान्वित है तो अधिगम स्तर भी ऊंचा उठेगा, अन्यथा उसमें विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इन लर्निंग में संसाधनों का अपव्यय होता है और जितनी आमदनी होनी चाहिए, जितनी ऑनलाइन रिसोर्सेज ऑनलाइन टीचिंग के दौरान जितना भी हमें अर्निंग होनी चाहिए उसमें भी हानि होती है। साथ ही जब पर्याप्त मात्रा में बच्चों का सपोर्ट एज अ टीचर फीडबैक के रूप में हमें नहीं मिलता, उनके द्वारा ज़्यादा रुचि नहीं ली जाती, तो हमारे मनोबल में भी कमी आती है। और कई संस्थाएं ऐसी हैं जहां पे संसाधन है लेकिन उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए दक्ष टीचर का अभाव भी पाया जाता है। साथ ही इसमें अन्य व्यक्तियों के विचारों को चुराकर स्वयं का मौलिक विचार
बता दिया जाता है। कभी कभी ऑनलाइन टीचिंग में कोई भी टीचर है दूसरे व्यक्ति के ई मटेरियल का यूज़ करके उसे स्वयं का नाम दे करके शिक्षण कार्य करा देता है। साथ ही जब हम बच्चों की तरफ से भी देखते हैं तो विद्यार्थियों को जो टास्क दिए जाते हैं ऑनलाइन उसका आंसर अवेलेबल होता है, तो उस आंसर्स को अपना नाम लिख करके वो ऑनलाइन सबमिट कर देता है। तो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन दिस ई लर्निंग टीचिंग में समय और स्थान की लोचशीलता का भी अभाव है। अर्थात जिस निर्धारित समय अवधि में हम बच्चों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अगर लेक्चर लेना चाहें तो बच्चे अवेलेबल नहीं होते, और स्थान के बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में होने के कारण या पहाड़ी इलाके में होने के कारण सर्वर प्रॉब्लम के कारण भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन जब टेलीकास्ट की जाती है लाइव, तो उसमें भी बच्चे को शिक्षण के दौरान डिस्टर्बिंग होने के कारण अधिगम में प्राप्त जो अधिगम जिस स्तर का होना चाहिए वो नहीं हो पाता, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो अधिगम के जो उद्देश्य हैं वो पूर्ण नहीं हो सकते। इस प्रकार इसमें स्थान और समय की लोचशीलता का भी अभाव पाया जाता है। वर्तमान में सूचना और संप्रेषण तकनीकी के युग में ई लर्निंग एक बेहतरीन सुविधा है जो दूरस्थ बच्चों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, लेकिन इसके बावजूद दूरस्थ स्थानों के विद्यार्थियों में रुचि का अभाव, पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता का अभाव, ये कुछ मेजर्स प्रॉब्लम है जो ई लर्निंग को ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होने देती। लेकिन एज ए टीचर आपको ई लर्निंग है क्या, इसका सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक पहलू, साथ ही इसमें यूज़ किए जाने वाले रिसोर्सेज के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। आज का होमवर्क है जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ई लर्निंग के उद्देश्य क्रियान्वयन तथा लाभ का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, साथ ही में आप इसकी डिलिमिटेशंस भी बताइएगा। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा और लाभदायक रहेगा, ज्ञानवर्धक रहेगा। थैंक यू।